जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा फोर्सा ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के तीन शकी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें संगठन के नौजवानों की भर्ती आतंकवादी सरगर्मियों अंजाम देने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। सूचना मिलने पर सुरक्षा फोर्सा और जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष मुहिम टोली ने आमिर हुसैन आसिफ अब्दुल्ला और अकीर अहमद नामी तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों ने सुरक्षा फोर्सा के जवानों को दसा है कि वह हिजबुल के चोटी के आतंकवादियों के संपर्क में सन और उन्होंने कुछ हथियार गोली सिक्का मुहैया करवाया गया सी। उन्होंने यह गल मान ली है कि मुकाबले वाली थां ते वह पथराव करते सन, पर अजे तक ग्रेनेड नाल कोई भी हमला नहीं किया गया सी। उन्होंने निशानदेही से हाजीपुरा के एक बगीचे विचों तीन ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। फौज ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में LOC नेड़े एक घुसपैठिए भी गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र 12 साल की है। वह पाकिस्तानी कब्जे हेठले कश्मीर का रहने वाला है और कंट्रोल रेखा पार करके भारतीय इलाके अंदर दाखिल होया।